हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रुचित पंगाल। आई होप योर लाइफ फिट एंड फाइन। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा, तो मैंने शुरू कर दिया व्लॉग। कल व्लॉग भी आएगा, देखी जाएगी, कुछ पूरा आएगा या नहीं आ पाएगा। नई चीज तो नहीं आ पाएगी जो मैंने देख ली है। टैंक्स बहुत ज्यादा गंदी हालत में, इनको साफ कर रहे हैं। तो देखो, वो ये वाला टैंक तो पूरा ही बदल देंगे हम। ये नया टैंक बना रहे हैं, इसकी लाइट खराब हो गई है। इसमें भी फिशेज चेंज करूंगा मैं, कुछ अपनी सेलेक्टेड फिशेज रखेंगे और नई लेके आएंगे। ये चेंज कर रहे हैं सारा, और इसमें अपने छोटे बच्चे हैं, इनका भी देखते हैं कैसे क्या करना है। ये चिकलेट्स के बच्चे हैं। एक बार मैं इन बच्चों को, अपने डॉग्स को बाहर निकाल देता हूँ। ये देखो, खुशी इनके साथ है, अभी थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए छोटी हुई है। चलो 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 चलो। एक्चुअली क्या है कि लाइट का कट लगता है 4 से 5 बजे के बीच में, तो हमारा कूलर बंद हो जाता है, जैसे कि ये ना। तो इस वजह से इस टाइम थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, तो इसलिए इस टाइम बाहर निकाल देते हैं। चलो चलो चलो, सारे बाहर चलो 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 चलो। ये मैंने इसलिए बंद कर दिया कि ये मेरे साथ खेलने लग जाते और खुद की एक्टिविटीज नहीं करते, तो इसलिए एक बार इनको छोड़ दिया, ये खेल लेंगे, ताकि ये थोड़ा बहुत जो इनको सुस वगैरह करना है वो कर ले, उसके बाद इनके पास बाहर जाता हूँ मैं। मीनवाइल यहाँ पे काम चल रहा है। अभी ये पानी बहुत ज़्यादा मैला हो गया, सारा निकालना पड़ेगा, और हमारी लाइट भी ख़राब हो गई है। तो ये देखो भाई, अपनी तरफ से पूरा वो ज्ञान कह रहा हूँ मैं, ये देखो अपनी तरफ से प्रॉपर पूरी साइंस लगा रखी है हमने कि ऐसे ऐसे करेंगे। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, मतलब कि सारा गंदा पानी निकालने की कोशिश है। और बाल्टी धोइए भाई। तो ये अब मैं जल्दी जल्दी फेंक आता हूँ। कोनू, हट 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 हट। घूम रही है कोनी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम इसे कौन सा टैंक बनाए, कैसी फिश डालें, किस टाइप का टैंक बना सकते हैं, तो मुझे बताना। या हमने कुछ सोचा हुआ है तो क्या सोचा हुआ है आपके हिसाब से, या ड्रिफ्ट वुड वगैरह अपने यूज हो जाएंगे सब कुछ। ये देखो भाई, गुड्डू भी हमारे साथ ऐसे घूमता रहता है, काम चल रहा है, गुड्डू भी आ रहा है। गुड्डू, ये यूँ कहता हूँ, यहाँ बैठने दो, शरारत नहीं करनी है, ठीक है ना। इसकी पाइप में बहुत ज्यादा एग्रेशन है इसका, अभी इसने पकड़ ली थी पाइप, मोहित लेके जाएगी, मोहित आगे से आगे जा, तू खेलता हुआ लेके जा। ये देखिएगा, ये इसने डांट खाई है अभी अभी, इस चक्कर में नहीं रगड़ रहा है, नहीं तो ये पाइप के पीछे पाइप पकड़ लेते। देखना गुड्डू, ओए क्या था ये, आप पकड़ेगा, पकड़ाइयो, मैंने पकड़ी पकड़ी गुड्डू, बोल के पकड़ा गुड्डू, पकड़ ये भी ना बात पकड़ी, तो देखियो घूम ले चल तू पार्क में। बदमाशी करता इसको, फिर आ गया। बच्चा तो बहुत प्यारा है ये। या गुड्डू बाहर खेलेगा, बाहर नहीं खेलेगा, अपने यहाँ बैठे गए, यहीं बैठ जाएगा। चलो आप काम कर लेते हैं। सो भाई, अभी अभी ये नया लेके आया हूँ, इससे साफ करना है ये, थोड़ा यहाँ पे जो वाटर मार्क के निशान हो जाते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं उतारने, तो थोड़ी सी मेहनत करके उतार देते हैं। सो भाई, ये अपडेट है कि ये तो हमने निकाल दिया, साफ कर दिया है, बट अभी इसमें कोई आइडिया नहीं आ रहा है। पहले ये सोचा था ये रॉक्स डाल के इनके लिए बना दे, इन वाली चिकलेट्स के लिए इसमें टैंक, बट फिर मेरे को आइडिया सा नहीं आ रहा, कोई मन सा नहीं भरा। हमने दो चीज़ें डाल के देखी, लगा के भी देखा ड्रिफ्ट वूट वगैरह, तो भी मन नहीं माना, तो इसको एक बार पीछे रख दिया एक बार, कि एक बार आज शाम को सोचते हैं। आप लोग भी सजेशन दे सकते हो। अब इसका क्या करेंगे, इसके सारे स्टोन्स बाहर निकाल के इसको मॉन्स्टर टैंक बनाएंगे, इसमें सिर्फ मॉन्स्टर फिश रहेगी। अब तो सारे स्टोन्स बाहर आएंगे, सैंड साफ होगी, वाटर पूरा चेंज होगा, 80% वाटर चेंज होगा, और ये थोड़ा बहुत यहाँ पे जो ये डेड लीव्स है, जो यहाँ थोड़ी एल्गी वगैरह भी लग गई, ये साफ होगा सारा। तो भाई, हमारा नया गेस्ट आया है, क्या नाम है सर इसका? जेरी। सर और मैम छोड़ के जा रहे हैं आज ये, और इसका आज बर्थडे है, और आज ही ये 1 साल का हुआ है, तो आज इसको ट्रीट मिलेगी अलग से। हैप्पी बर्थडे जेरी, ये तो लेके जा ही रहा है अपनी ट्रीट।
ये देखो भाई। तो भाई ये जेरी को छोड़ के गए भी वो, और वो मैम इमोशनल हो गए थे जब मेरे को दे दे। मैम इमोशनल हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सेकंड टाइम छोड़ के जा रहे हैं, और उन्होंने पहली टाइम जहाँ छोड़ा था तो हाँ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा बिल्कुल भी। पर मैं वो थोड़ा सफाई कर रहा हूँ गार्डन की, और ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। और मैम आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाओ, जैसे कि मैंने कहा था बच्चा यहाँ पे और खुश होके ही मिलेगा। 1% आपको यूं ही लगेगा कि एक दो दिन ऐसे ही छोड़ जाएगा ना यहाँ पे। चेरी एक मिनट का आ जाता बंदा। चेरी ने अपनी ट्रीट पता नहीं कहाँ गिरा दी, वो ये वो हर जगह वो ही ढूंढ रहा है। चेरी इधर है, देख ट्रीट ढूंढ रहे हैं। कहाँ छोड़ के आए तू, कहाँ छोड़ के आए? क्योंकि भूख रहे थे ना अपनी खुशी का, आप लोगों को पता ही है अंदर आते ही वो भाव कर देती है बेचारा। जेरी सोचे कहाँ आ गया जेरी, जेरी ले। क्या एक्सपीरियंस अभी आपका? मस्त एक्सपीरियंस। चलो भाई चेरी को दे देते हैं और ये करेंगे सही। चलो भाग जाओ, चावल जो है वो जला दिए है पूरी तरीके से। यार ये तो क्या हो गया यार? बात कुछ ऐसे है भाई का, जब तक डांट ना लग जाए ना दो तीन तब तक मजा नहीं आता इसको। क्या हो गया यार? इन्हें बाहर रख देते थोड़े ठंडे हो जाएंगे। पता है क्या हुआ यार, मैंने रखे थे सही थे बट वो गेस्ट आ गए तो ध्यान से निकल गया। यार क्या हो गया यार भाई, यार ये देख तेरे चक्कर में क्या हो गया यार, चल गए यार मैं। यार ये देख तेरे चक्कर चल गया। लो भाई अब थोड़ी देर के लिए सारे को अंदर कर दिया क्योंकि इनका खाना ठंडा हो रहा है। और ये देखो यहाँ पानी डाल दिया, इससे और ठंडक हो जाती है। सारे डॉग्स यहाँ पे है, वो अपनी ट्रीट खा रहा है चेरी। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फार्म से ही बात कर रहा हूँ इस टाइम। सो कल जो जो अपडेट हुई आपको बता दी, कल हम प्रॉपर एक्वेरियम्स भी एक ही साफ कर पाए, एक्वेरियम भी मैं दूसरा एक्वेरियम भी नहीं कर पाए बड़े वाला। बाकी आप लोग सजेशन दे सकते हो, मैंने जैसे ही कहा था व्लॉग जरूर आएगा, तो व्लॉग आएगा जितना भी शूट हुआ है पक्का आएगा व्लॉग। सो जेरी को एक बार और दिखा देता हूँ। सो ये रहा हमारा जेरी, ये खेल रहे हैं और सारे अपने डॉग्स प्लेइंग एरिया में, इन सबको बाहर निकाला था, सारे खेल चुके फिर ये आए हैं। और जेरी को अब लास्ट में मैंने क्योंकि ये नया नया आया ना तो ये एक बार प्रॉपर खेल ले अकेला। अभी खुशी के साथ नहीं निकालूंगा इसे, कल खुशी के साथ निकालेंगे। सो दोस्तों इसी के साथ इस प्यार से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो हम अपने एक्वेरियम्स के साथ क्या करें, कौन से टाइप का एक्वेरियम बनाएं। बाकी स्नेक हेड जो फिश है वो मेरे ध्यान में, वो लेके आऊँगा मैं। तो कई सारे प्लान चल रहे हैं, तो आप लोग भी अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि हमें पता चले क्या कर सकते हैं हम। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके बाय बाय।